नमस्कार, न्यूज बुलेटिन के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश सक्सेना। हल षष्ठी और भगवान बलराम की जयंती के अवसर पर कृषि क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड घोषित किए जाने पर राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुशी जाहिर की है। कमल पटेल ने कहा, इस फंड से गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का राज्य के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है। अब किसान मजबूर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक बाजार एक मंडी कर दी है। अब किसान सिर्फ मंडी में जाने के लिए फसल बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा, बल्कि अब किसान के खेत से खलियान से घर से या स्वयं की मंडी से वो माल बेच सकेगा, ताकि ये बिचौलिए खत्म करने का जो संकल्प लिया है मोदी जी ने उसको धरातल पर भी लाने का काम भी किया। इसके लिए उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास के लिए आज शुभारंभ किया है और राशि दी है। उससे हमारे किसानों के किसान उत्पादक समूह बनेंगे,